अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप तो ऑलरेडी मुझे कह दिए कि मैं फलां मुल्क का प्रोपोगंडा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो भैया आप हमको तो आप एंटी नेशनल से आप क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग तो नेशनलिस्ट, वो नेशनलिस्ट, अब क्या करेंगे हम? क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे वो? अब बोलेंगे कि मैं अब NRC की बात करेंगे, अब वो बोलेंगे कि अब हम ऐसा कर देंगे। देखिए हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि संविधान इस मुल्क में है, हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी फॉलो करें, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, वो रूल ऑफ लॉ को समझें, रूल बाय लॉ ना करें। तीसरी बात, इस मुल्क में आपकी जैसी मेजॉरिटी इंदिरा गांधी को भी थी और इंदिरा गांधी को शिकस्त हुई। चौथी बात, पावर इज़ नॉट इटर्नल, पावर ख़त्म होने वाला है और वो ख़त्म होकर रहेगा। तो यही चार बातें हैं। अब वो नहीं सुनेंगे, उनको लगता है कि भाई ये तो एंटी नेशनल है, ये जिसके चेहरे पे दाढ़ी है इसका तो मॉब लिंचिंग हो जाना चाहिए था, तो बोल रहा है। बट ठीक है, हमारा काम, आपने सवाल किया हम बोल रहे हैं, वरना मैं बोलता नहीं था, आपने पूछा तो इसलिए। अरे वो, अरे वो तो बात ही, विलन तो हम ही हैं। अरे वो तो नई बात कहाँ है, वो तो विलन हम ही हैं। देखिए हर पिक्चर में, ये जो भी हमारी ज़िंदगी का पिक्चर है, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम ही विलन रहेंगे। हीरो तो आप लोग रहेंगे, हीरोइन भी आपके पास, हीरो भी आपके पास, साइड एक्टर भी आपके पास, प्रोड्यूसर भी आप, डायरेक्टर भी आप, डायलॉग भी आपके, और विलन सिर्फ हम हैं। तो कोई बात नहीं। हाँ, अब मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना यकीन है कि विलन तो मैं हूँ। ये आप भी देखिए, मैं महाभारत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग एक्सपर्ट हैं तो तय करना चाहिए, एक्टर से पूछिए, शायद वो भीष्म कौन है नहीं मालूम। क्या हुई सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने के लिए वो किया गया? मुझे इस बारे में नहीं मालूम, मुझे मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सर, लिबरेशन डे को लेकर काफी पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी काफी जोर शोर से इस मसले को उठा रही है, यहाँ पे 17 सितंबर। देखिए एक बात सुनिए, बहसीत एक हिंदुस्तानी, मुझे फख्र है कि हैदराबाद रियासत जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और वो फख्र रहेगा मुझे हमेशा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये हमको फ़ख्र है इस बात का कि ये रियासत जो उस वक्त की रियासत थी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और हम हिंदुस्तान की जमहूरियत को मानते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कामयाबी आवाम हमको देती है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या दे सकते हैं हम आपको, बताइए। नहीं, बीजेपी जिस चीज़ को काफ़ी प्रचारित कर रही है कि अब देखिए ना, अब अरे छोड़िए ना, वो देखिए ना, बीजेपी को क्या है, वो हैदराबाद में कहावत है, फातिहा देने को मुल्ला नहीं, नादिदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला। तो इसका तर्जुमा आप किसी से पूछ लीजिए, हम नहीं कर सकते। नादिदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला, तो ये इनके चलते रहता है। भाई 10 लाख नौकरियाँ ऑटो इंडस्ट्री में जाने वाली हैं, आप लिबरेशन डे की बात करेंगे, 6% एम्प्लॉयमेंट है, आप लिबरेशन डे की बात करेंगे, महंगाई आसमान को छू रही है, आप लिबरेशन की बात करेंगे, डॉलर उछल रहा है, और हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी हिंदुस्तान का जो कोहिनूर है रिलायंस, उसको क्रेडिट स्विस ने उसका कम कर दिया, वो अपना 20% हिस्सा बेच रहा है किसको, सऊदियों को, और फिर भी हम एंटी नेशनल है? हैं, आप देखिए कितना खूबसूरत माहौल बनते जा रहा है। अब ये सब बातें नहीं करेंगे, देश में सैलाब है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, आप उनको बसाना, उनको मदद करना आप नहीं बात करेंगे, मगर आप ये मुद्दों पे, क्योंकि आप जो अहम मुद्दे हिंदुस्तान के अवाम के उसको आप एड्रेस नहीं करना चाहते, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर कल मैंने कहा था कि पटना में एक वीडियो आया हेडलाइन का, एक लोकल चैनल है, कि एक कुत्ते ने गाय को कतर लिया, तो पूरा एक मॉब जमा हो गया, और मॉब जमा होकर कहने लगा कि नहीं, मुसलमान ने किया है और वो छोड़ना नहीं चाहिए। बाद में मालूम हुआ कि कुत्ता किसी हिंदू भाई का था, अब कुत्ते का भी मजहब मिल गया, गाय का भी मजहब मिल गया। अरे भाई इंसान की फिक्र करो, इंसान परेशान है, आपकी, आप सरकार में है, आपको हिंदुस्तान की अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आप उसकी फिक्र करो। आप कब तक ये इमोशनल जज्बाती इशू, जिससे रोज़मर्रा की चीज़ों कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसी पर बाजा कब तक बचाएंगे? छोड़िए, अभी आइए, अभी ज़मीन पे ख़दम रखिए, बहुत उड़ लिया आसमान पर भी। महाराष्ट्र में क्या इलेक्शन में आप एक
हाँ इम्तियाज जलील का स्टेटमेंट है वो है। और कुछ इंग्लिश, अरे हो गया भाई, अब इंग्लिश हिंदी नहीं होता भाई। हाँ दे वॉन्ट टू डू इट ना, दैट इज वॉट द इलेक्शन कमीशन सेड, एंड द होल आइडिया इज टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर। That is why this is a step in changing that in the demography of that state, and that is why it has been bifurcated, and that is why we see that even in 1999 when Operation Vijay was on, the whole of Kargil was with the Indian Army. They're still with the Indian Army. At that time, 144 was not imposed. Now you have imposed 144 in Kargil. What does that speaks about the step you have taken? It clearly shows what is happening in Kargil. Exactly, they want to change the demography of the whole state, and that is why the whole intention of BJP is to have a non-Muslim chief minister from that place, and that is why they are doing this. But I am telling you, as I have said in the parliament, the first trouble that will start is from Jammu only. There will be huge trouble, Dogras, Punjabis and Dalits. Now state BJP chief is saying, no, we cannot allow everyone to come from outside and buy the land. Why? Then why did you do this? What was left of Article 370? Nothing was left, only a shell was left. The raw, ex-raw chief Dulat was right. He said it was only a fig leaf. When we have implemented integrated Kashmir by implementing 95% of articles in the constitution, state list, concurrent list, schedule list. Dulat has said this. क्या 35A? तो फिर हिमाचल में जमीन खरीद दीजिए ना, प्रसाद बोसेकर को खरीदने दीजिए, मैं देता हूं पैसे आपको, मेरे वाइट चेक देता हूं मैं आपको, खरीदिए जमीन हिमाचल में, आप उत्तराखंड में खरीदिए। क्या मैं असदुद्दीन ओवैसी एमपी हूं, क्या मैं अरुणाचल प्रदेश जा सकता हूं, मुझे परमिट लेना पड़ता अरुणाचल और लक्षद्वीप को? क्या मैं आसाम में जाकर जमीन खरीद सकता हूं, शेड्यूल एरियाज में नहीं खरीद सकता हूं? वहां क्यों रखिए आप, वहां पर भी होगा, याद रखिए आप। मैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम के लोगों से कह रहा हूं कि वहां पर भी होगा, हिमाचल में भी, ये सब निकाल देंगे लोग। अभी नहीं निकाले हैं, निकालेंगे जरूर, देखना आप जब मालूम होगा देश को। नागा सेपरेटिस्ट से हम बात कर रहे हैं, ये सरकार, वो अभी हथियार भी नहीं डाले, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट में कहा कि अब हमको नागालैंड के जमीन के अंदर की गैस और ऑयल पे भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। आप बातचीत कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? नागा का इतना बड़ा लीडर इस दुनिया से चल बसा तो तिरंगे के साथ उनका भी फ्लैग था वहां पर, और तमाम बीजेपी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग जाकर फूल चढ़ाए, जब आपको याद नहीं आया दो झंडे? किसको, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? देश देख रहा है और देश फैसला करेगा। आखिरी सवाल सर, तीन चीजें अगर कुछ करना है सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जम्मू कश्मीर में आज के जो हालात है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? 370 को वापस लाइए, जो लोग जेल में है उनको छोड़िए, टेली कम्युनिकेशन को बहाल करिए। सर, द गवर्नमेंट वांट्स टू कंडक्ट इन्वेस्टमेंट समिट टू गिव जॉब्स टू कश्मीर फ्रॉम अक्टूबर 12 टू 14 सर। हां, द गवर्नमेंट वांट्स टू कंडक्ट इन्वेस्टमेंट समिट इन गवर्नमेंट। अरे भाई बॉस, देयर इज 6% अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हु आर दे फूलिंग? द 6% अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इन आवर कंट्री, व्हाट अबाउट दैट इशू? एंड डू यू थिंक अनएम्प्लॉयमेंट इज इशू इन कश्मीर? नो, ऑन एवरी इंडिकेटर्स द कश्मीरीज इज हाई। You think that there is trouble in Kashmir, unemployment? No, it is our complete wrong. Not because of poverty. It is empowerment, issues empowerment over there. It is completely wrong. You are beating around the bush at the, you know, what is that? Who stopped you from starting investment on leased land could have been given? Easily that could have been done. Who stopped you from doing that? You couldn't do anything. बिल्कुल, हम भी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पहले ज़्यादा हमारे को उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम और मंजलिस के MIM के पहले ज़्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीत कराएंगे।
हम पूरे हम मैं हर एमएलए को हर एरिया की जिम्मेदारी दिया हूँ, मैं म्यूनसिपैलिटी की, डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर जा रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम भी चल रहा है और हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन तो लड़ेंगे, इलेक्शन तो लड़ना है, लड़ेंगे। ओके चलिए।